हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स की क्लास 9th के मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। लाइंस क्या होती है? अगर हम लाइंस की बात करें, लाइन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये लाइन्स है। लाइन की एक खास बात होती है कि इसके एंड का हमें ये नहीं पता होता, ठीक है? ये इधर भी बढ़ सकती है, इधर भी बढ़ सकती है। जैसे लाइंस कोई जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन हो, लाइन ऐसी भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है, ठीक? जैसे आपने रेलवे लाइन देखा है, रेलवे लाइन पे अगर आप कहीं पे खड़े होते हैं तो आपके लेफ्ट भी जाती है, राइट भी जाती है, उसका एंड का हमें पता नहीं होता, वो दोनों तरफ बढ़ सकती है। बात क्लियर है? इसमें ये दूसरी बात है। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं रे, रेज, ठीक है? जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? किरण बोलते हैं, किरण। और इसको आप बोलते हैं रेखा, ठीक है? रे और या तो आप बोल लो उसको किरण, आप उसको किरण भी बोल सकते हैं। इस किरण की अगर हम बात करें, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक विशेष पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही तरफ बढ़ता है, एक ही तरफ जाता है, वो किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा, वो एक ही तरफ बढ़ेगा। वो हो सकता है कि वो स्टार्ट होकर यहां से यहां की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है यहां से स्टार्ट होकर यहां से यहां की तरफ बढ़ जाए, हो सकता है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ जाए, लेकिन वो किसी एक पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, अगला जो पॉइंट है लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं हम लाइन लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसको रेखाखंड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जिनकी लेंथ ना फिक्स हो, जिनके दोनों एंड्स होते हैं, जिनके दो एंड होते हैं, उनको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसकी उसकी लेंथ निश्चित होती है, ठीक है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। जैसे मैंने मान दिया ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन दोनों को मैंने मिला दिया, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो ये क्या कहलाएगा? मेरा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये तीन चीजें समझ में आई होगी आई होप। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने पढ़ा लाइन, दूसरी चीज हमने पढ़ी रे, तीसरा हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर कर रहे हैं, जब तक आपको ये सारी चीजें मालूम नहीं होगी तब तक आपको ये प्रॉब्लम कर सकती है। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट होता है, एक और पॉइंट के बारे में हम जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर? अगर हम कोलिनियर की बात करें, कोलिनियर का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं संरेखी, ठीक है? क्या बोलेंगे? संरेखी। कोलिनियर पॉइंट, अगर हम बात करें कोलिनियर पॉइंट्स की बात करें, कोलिनियर जो पॉइंट है, इन पॉइंट की अगर मैं बात करूं कोलिनियर पॉइंट्स की, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे तीन पॉइंट्स, ऐसे कोई भी तीन पॉइंट जो एक लाइन के, अगर हम कॉलिनियर पॉइंट की बात करें, संरेखी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लाइन के ऊपर अगर तीन पॉइंट्स आते हैं, अगर वो तीन पॉइंट आते हैं तो वो कॉलिनियर, एक सीधी रेखा में होना चाहिए, एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट, अगर हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट की बात करें, तीन ऐसे डॉट्स, तीन ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में नहीं है, जो एक लाइन में नहीं है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, इसको ऐसे मिलाऊं तो क्या ये एक सीधी रेखा में है ये तीनों पॉइंट? नहीं है, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जैसे ट्रायंगल्स के तीन पॉइंट जो होते हैं, ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो नॉन कॉलिनियर होते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो गए, तो वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने कह दिया कि भैया ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर ये कॉलिनियर पॉइंट है तो ये ट्रायंगल कैसे बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर वो
नॉन कोलिनियर होगा, थोड़ा भी नॉन कोलिनियर होगा, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, ट्रायंगल बन सकता है, राइट? ये ट्रायंगल बनाया जा सकता है। इसी तरीके से आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है? तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है? क्या है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को काटती हो, जो एक दूसरे को काट देती हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे मैंने कह दिया ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इस पॉइंट पे काट रही हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइंस। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, चाहे वो कहीं तक भी पड़ जाए, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। कभी भी ये वाली जो लाइन होगी, ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो शुरू होता है आपका एंगल्स होता है। क्या होता है? अगर मैं एंगल्स की बात करता, क्या होता है? ठीक है, एक लाइन होती है, ये एक पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। और ये इस पॉइंट से ये जो रे निकल रही है, अगर मैं इस रे को रोटेट कर दूं, इस रे को रोटेट कर दूं, इस वर्टेक्स को फिक्स रखता हूं, अगर मैं इस वर्टेक्स को फिक्स रखूंगा, इस पॉइंट को अगर मैं रोटेट कर दूं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस लाइन को अगर मैं रोटेट करके, ये इस तरीके से बन जाएगा। बात क्लियर है? ये जो रे है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये वर्टिक्स है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलेंगे इसको? एंगल्स बोलते हैं। ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एंगल, ठीक है? ये एंगल होता है, ये इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके आर्म है। क्या है ये? आर्म। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये आर्म को हमने क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। इस आर्म को हमने रोटेट कर दिया। इस आर्म को जब रोटेट किया तो ये क्या फॉर्म करता है? एंगल फॉर्म करता है। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर हम एंगल्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ, टाइप्स हो गए एंगल्स के। एंगल्स के कितने टाइप? सबसे पहले हम एंगल्स की बात करते हैं, एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? मैंने कह दिया कि एक एंगल मैंने बनाया, मैंने ये एंगल ले लिया, ठीक है भाई, ये एंगल ले लिया, ये एंगल है, राइट? इस एंगल को मैंने क्या लेट कर लिया? ये एक्स डिग्री का एंगल है। इसको मैंने मान लिया कि ये एक्स डिग्री का एंगल है। और इस एक्स डिग्री, एक्यूट एंगल की खास बात होती है कि इसका जो एंगल होगा, ये 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ज्यादा होगा, 0 डिग्री से ज्यादा होगा, और 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसकी खास बात होती है, एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल जो होता है वो मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा होगी, ये एक्यूट एंगल होता है, ठीक है? ये बात क्लियर है? नेक्स्ट जो एंगल होता है, उस एंगल को हम बोल सकते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अगर मैं इस राइट एंगल की बात करता हूं, आपको भी पता है राइट एंगल क्या होता है, आपने भी 8th क्लास में पढ़ा होगा राइट एंगल क्या होता है। ये राइट एंगल क्या? ये राइट एंगल, जो एक्स की जो वैल्यू होगी, ये जो मैंने एक्स की वैल्यू लेट किया है, ये जो एक्स की वैल्यू होगी ये 90 डिग्री होगी। इसका मतलब है कि जो एंगल बनेगा, मैंने कह दिया ये ए है,
ये बी है और ये सी है। यहां पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है ए बी सी, ये बी बी पर एंगल फॉर्म हो रहा है, बी पर वर्टिसेस है, ध्यान रखना ये वर्टेक्स को क्या है, ये वर्टेक्स बी पर है, सेंटर में आएगा बी, ठीक है। बी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलेंगे, राइट एंगल, याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो स्टार्ट होता है, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड पॉइंट होता है ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। इस ऑब्ट्यूज एंगल को हम बोलते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, पहले एंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ये मैंने एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये मेरा वर्टेक्स है, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, इसको ए लेट कर लिया, इसको सी लेट कर लिया, इसको बी, और ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एक्स डिग्री बन रहा है, एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का मतलब क्या है, यहां पर जो ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू होगी ये 90 डिग्री से ज्यादा होगी, लेकिन 180 डिग्री से कम होगी, 90 डिग्री से ज्यादा होगी, 90 डिग्री मोर देन एक्स 90 डिग्री, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज्यादा होगी और वो 180 डिग्री से कम होगी, एक खास बात है इसकी, ऑब्ट्यूज एंगल की। बात क्लियर है कि अगर आप देखें तो यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और ये 180 डिग्री का एंगल है, तो अगर आप देखें तो इसके बीच का कहीं भी एंगल हो सकता है, ठीक है, लेकिन 180 डिग्री से वो कम होगी और 90 डिग्री से ज्यादा होगी। तो आई होप आपको ये तीन पॉइंट समझ में आए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट जो एंगल है उस एंगल को देखते हैं। जो एंगल फोर है, एंगल फोर की अगर मैं बात करूं, जो एंगल फोर है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। इस स्ट्रेट एंगल की खास बात क्या होती है, कोई सा भी, जैसे मैंने एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने बोल दिया कि ये मेरा वर्टेक्स था, इस हैंड को मैंने इधर से लेकर इधर रोटेट कर दिया, ये पूरा एंगल क्रिएट हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, ये स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाता है। ये पूरा ये कितना है, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री का मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी, 180। इसका मतलब है कि अगर ये कंप्लीट 180 डिग्री है, एक्स की जो वैल्यू होगी, इस एंगल की वैल्यू जो होगी ए बी सी, यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है ये पूरा 180 डिग्री होगी, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की एक बहुत खास बात होती है कि रिफ्लेक्स एंगल की जो बात होगी, हम बात करते हैं कुछ ऐसे था, अब ये नीचे की तरफ टर्न हो गया, इसका मतलब है रिफ्लेक्स एंगल की क्वालिटी जो वैल्यू होगी, इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी खास बात ये होती है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, इसको मैंने बोल दिया ए बी सी, ये बाहर की तरफ एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्स डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री से ज्यादा होगी, कितनी होगी, 180 डिग्री से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन 360 डिग्री से ये कम होगी, रिफ्लेक्स एंगल की खास बात होती है, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट एंगल है सिक्स, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, ये जो कंप्लीट एंगल है मेरा, ये कंप्लीट एंगल की मैं बात करूं, ये इसको आप दो नाम से जान सकते हो, या तो 0 डिग्री बोल सकते हो या फिर 360 बोल सकते हो, ठीक है। ये अगर आप देखें तो यहां पर 0 डिग्री है, लेकिन ये अगर ये पूरा घूम कर आ जाता है, यहां पर देखें तो ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसी की बात करता हूँ कि ये पूरा का पूरा, अगर ये पूरा टर्न होकर ये इधर आ गया है, ठीक है, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर एंगल ओ फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा घूम के आया, तो इसकी जो वैल्यू होगी कंप्लीट एंगल की वो कितनी होगी, 360 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल एक्स, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 360 डिग्री होती है। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और 0 डिग्री भी एंगल 0 डिग्री होती है, इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री है, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। अगर ये पूरा घूम के वापस आ जाता है, अगर ये पूरा टर्न होके वापस उसी जगह पे आ गया, तो ये कंप्लीट एंगल हो जाता है,
लेकिन जब कोई एंगल फॉर्म नहीं है तो वो 0 डिग्री भी एंगल ऐसी होते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री। बात क्लियर है? चलिए देखिए शुरू करते हैं पेयर ऑफ एंगल। पेयर ऑफ एंगल, अगर मैं इस पेयर ऑफ एंगल की बात करूं तो पेयर ऑफ एंगल की एक खास बात होती है, इसमें दो तरीके के एंगल होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स होते हैं। पेयर का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, पेयर ऑफ एंगल में पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है, जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री होता है। मैंने कह दिया एक एंगल इधर था, एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, दोनों मिलाकर मैंने मान लिया एक 40 डिग्री है, एक 50 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो सम ऑफ दीज एंगल्स, एंगल ये भी 40 डिग्री है, 50 डिग्री। ठीक है, दोनों की अगर मैं बात करूँ, दोनों मिलाकर ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। बात क्लियर? नेक्स्ट जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, सप्लीमेंट्री एंगल की खास बात क्या होती है कि दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों मिलाकर मैंने मान लिया एक 120 डिग्री का हो गया, एक 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ, दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो ये वैल्यू मिलाकर कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। याद रखना कि इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री का और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ऑल क्लियर? तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो अगला पॉइंट होगा आपका, उसको हम बोल सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स क्या होता है? सपोज आपके पास एक एंगल था, एक एंगल है, मैंने मान लिया ये मेरे पास एक एंगल था। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये 40 डिग्री का मैंने सपोज कर लिया कि ये एंगल जो था ये 40 डिग्री का एंगल था। ठीक है, मैंने कह दिया कि मुझे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी रे यहां से निकलेगी जो इस एंगल को, इस 40 डिग्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसका मतलब है कि ये भी 20 डिग्री हो गया और ये भी 20 डिग्री हो गया। बात क्लियर है? इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं ओ, मान लेते हैं ए बी। ठीक है, और ये इसको मान लिया सी। ये जो ओ सी है, ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर। ओ सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। बात क्लियर है? इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है, इस एंगल की अगर मैं बात करता हूं ए ओ सी, इसका जो एंगल है इस पूरे एंगल का हाफ है। इसका मतलब है कि ओ सी ने क्या किया, ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बी। ऑल क्लियर? ये पॉइंट आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट नंबर हमारा था 3। हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। जैसे मैंने कहा भाई ये एंगल है, एक और एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक कॉमन लाइन से बने हैं, एक कॉमन लाइन पर हैं, ये कॉमन लाइन है। इसका मतलब है ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ टच हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया ए एंगल, एंगल बी और एंगल सी। अगर मैं बात करूं ए और प्लस बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अगर मैं बात करूं ए और सी की, ए प्लस सी एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एंगल ये यहां पर है, ये यहां पर है, इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी लाइन कॉमन नहीं है। अगर मैं बी और सी की बात करता हूं तो बिल्कुल बी प्लस सी, अगर मैं बी प्लस सी की बात करता हूं तो ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इन दोनों में ये लाइन कॉमन है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर फाइव, पॉइंट नंबर फाइव, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीनियर पेयर क्या होता है, अगर हम लीनियर पेयर की बात करते हैं, सपोज दो एंगल है, लीनियर पेयर, एक 180 डिग्री का एंगल था, मैंने यहां से कोई भी एंगल ड्रॉ कर दिया, एक एंगल ये और एक एंगल ये, ठीक है, इसका नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, एंगल ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। एंगल लीनियर पेयर की खास बात होती है कि एंगल ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। दो एंगल्स होंगे, दो एंगल का पेयर होगा, ये आप ध्यान रखना कि दोनों का सम कितने डिग्री होगा, इसको हम बोलते हैं लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर, लीनियर पेयर। ठीक है, पेयर का मतलब दो होता है, लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जो एक स्ट्रेट होती है, सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन पर बने हुए दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप ये पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है। ऑल क्लियर। बात करते हैं पॉइंट नंबर सिक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे मैंने कह दिया कि दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। ऑल क्लियर। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब है कि एक यहां से और एक यहां से, जब दो स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट के अपोजिट, जो सर ये अपोजिट, ये वाला एंगल, इस अगर मैं इस एंगल की बात करूं और यहां पर इस एंगल की बात करूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है, कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इसी को बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये कितनी भी कुछ भी हो सकता है, 50 डिग्री का भी हो सकता है, 150 डिग्री का भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर वन, हम थ्योरम करेंगे अब, जो आपके बुक में क्वेश्चंस है, थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को हम आगे सॉल्व करते हैं। जो पहला थ्योरम है, थ्योरम नंबर वन, थ्योरम वन, इस थ्योरम को हम पढ़ते हैं। इफ टू लाइंस, थ्योरम का नाम है इफ, पहले जो थ्योरम है, इस थ्योरम में आपको ये चीज दिया हुआ है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू लाइंस, मैंने सपोज कर लिया कि दो लाइंस थी, ये दो लाइंस है, एक तो ए और बी और ये था सी और डी, दो लाइंस है जो कि पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पर, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव जिसको आप बोलते हो, टू प्रूव। इस टू प्रूफ में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये प्रूफ करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने मान लिया एक ये एंगल और ये एंगल को मैं प्रूफ करता हूं कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। लेट कर लेते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये प्रूव कर। दूसरा भी ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं। देखिए, बात करते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, ये एक लाइन है, इस पर ये बना हुआ दो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर होगा, बिल्कुल। ए बी इज अ लाइन,
इज अ लाइन एंड ओसी एंड ओसी इज रे। अगर आप देखिए ध्यान से तो ए बी एक लाइन था, ओसी उसके ऊपर क्या है, ये एक रे है। अगर रे है तो ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर से, किससे, लीनियर पेयर से, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बना हुआ जो एंगल होगा ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर। इसी तरीके से मैंने बात किया कि सी डी इज अ लाइन, आगे सी डी इज अ लाइन एंड ओ बी इज अ, ओ बी इज अ रे, ये क्या है, एक रे है। ध्यान से देखें सी डी एक लाइन है, इसके ऊपर ओ बी क्या है, एक रे है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलाकर 180 डिग्री का होगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल प्लस एंगल प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर पेयर के नाम से जाना जाएगा। बात क्लियर है, ये इक्वेशन वन बन रही थी, ये इक्वेशन टू बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड की मैं बात करता हूं, लुक, अगर इसको आप देखें तो ये क्या बन रहा है, ए ओ सी प्लस बी ओ सी एंगल। ध्यान से देखें ये जो पहले इक्वेशन है, ये जो पूरा ये सम ऑफ टू एंगल्स है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी किसके बराबर है, 180 डिग्री के इक्वल। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड टू से करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएगा, इसका मतलब है ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वल टू किसके है, किसके इक्वल, अगर आप देखें बी ओ सी प्लस बी ओ डी के, बी ओ सी प्लस बी ओ डी के इक्वल। तो ये दोनों बराबर है, ये कट जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, बचा क्या, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल बराबर है। लुक एट दिस, क्या प्रूव करना था, एंगल ए ओ सी और बी ओ डी के बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली इसी तरीके से दूसरे एंगल को भी आप प्रूव कर सकते हो। बात क्लियर है,